चलो आज क्लास 8 के केमिस्ट्री के क्लास में हम लोग जो मैंने कल बताया था लास्ट का जो एक दो क्लास बाकी है तुम्हारा मेटल और नॉन मेटल वही सब थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। क्या बोलते हैं? तो उससे पहले एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में, सुन लो, शायद तुम्हारे दिमाग में भी हो। जो मेटल नॉन मेटल सॉलिड में तो पता किया जा सकता है, बहुत आसान है, क्योंकि मेटल के कुछ खास प्रॉपर्टीज थे, नॉन मेटल का कुछ खास अलग प्रॉपर्टीज था। और इसके यूजेस के बारे में भी मैंने एक ऑडियो क्लास में आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ, राइट? तो फिर मैं ये टॉपिक क्यों लाया, क्योंकि यूजेस तो हम पहले पढ़ चुके हैं, मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस पहले पढ़ चुके हैं, तो ये फिर लास्ट में ये क्लास क्यों और मिसलेनियस में ऐसा क्यों। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा बेस्ड होगा इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने फिजिकल के बारे में पहले ही बता दिया था, जो एक के पास लाइटनिंग होता है, पिटने पे साउंड हो या ये हो, और उसी हिसाब से उसका यूज भी होता है। जैसे यदि आपको कार चाहिए, हाँ, तो कार पे क्या चाहोगे? जो हमारा जो हार्ड हो ना, साइड वाला जो लगता है दरवाजा वगैरह, तो वो तो हार्ड होना चाहिए। तो उसके लिए पहले ही मैंने बता चुका है कि उसके लिए हम लोग मेटल का यूज करते हैं। ऐसे ही फिर जब बाल्टी वगैरह का बात करें, जो हम यूज किया करते हैं घर पे, वो तो हल्का होना चाहिए, तो इसीलिए नॉन मेटल का नॉर्मली हम लोग यूज किया करते हैं। इसके अलावा रिएक्शन सब भी थे, और आज हम लोग उस रिएक्शंस के बारे में ही बात करेंगे। एक बात जानते हो, कुछ पिछले रिएक्शंस में मैंने बताए थे, वो जो मेटल होता है वो रिएक्ट कर लेता है किसके साथ? रिएक्ट करता है एसिड के साथ। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करने लगा, तो अब उसको किस चीज में रखोगे? एसिड को नॉन मेटल में। तो यानी एसिड का जो हमारा जार होगा, जो बर्तन होगा, वो क्या होगा? एक नॉन मेटल होगा। ऐसे ही आप दूसरा चीज भी मैंने बताया था, तो ये सब यूज मैंने पहले नहीं बताया था, वही आज बताने के लिए आया। तो सबसे पहला यूज मैंने बताया, जो हमेशा एसिड को कहाँ रखते हैं? मेटल में, सॉरी नॉन मेटल में, राइट? तो एसिड रखा जाएगा नैनो मेटल में, क्या कि वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। कई बार देखो, यानी तुम देख सकते हो, जैसे नींबू का रस, यदि तुम्हारा पितरिया बर्तन जो होगा घर पे, हाँ कॉपर वाला, जब उस पे पड़ता है तो वो उसका कलर चेंज कर देता है। क्यों कलर चेंज करता होगा? तो मेटल और एसिड का रिएक्शन है, जो हम पिछले कई सारे क्लासेज में पढ़े हैं, राइट? तो ये सब तो छोटी मोटी बातें थी। आज का जो मेन टॉपिक है दूसरा, जो मैं बताने वाला हूँ, वो ये है, जब मेटल और नॉन मेटल की बातें करते हैं, तो हम लोग सॉलिड में तो पार्टिसिपेट कर दिए, लिक्विड में भी कर देंगे, लिक्विड में भी हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली सॉलिड लिक्विड स्टेज में पाया नहीं जाता नॉर्मली, और जो पाया जाता है वो है, होता है मरकरी, HG। अब मरकरी को उसके बाद एक और है गैलियम, वो भी पाया जाता है लिक्विड में, तो ये दो ही हैं। अब इस दोनों का भी एक यूनिटी है, यूनिटी क्या है? तो इन दोनों का जो बीच का अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है। तुम कभी सोचे हो, यदि कोई नदी जो मरकरी से बना भरा हुआ होता, यदि उसमें मैं कूद गया, तो वो तो लिक्विड है, तुमको लग रहा होगा मैं डूब जाऊंगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाईली डेंस होता है। मेटल का एक और नेचर, वो बहुत ही ज्यादा हाईली डेंस होता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी वो खुद में ही चिपका रहेगा, लेकिन तुमको अंदर जाने नहीं देगा। यानी कोई ऐसा समुद्र होता या नदी होता जो मरकरी से भरा होता, और मैं उसमें छलांग भी लगा दूं, तो मैं डूब नहीं पाऊंगा, मेरा आधा बॉडी भी उसके अंदर नहीं जा पाता, इतना ज्यादा डेंस होता है। ऐसे ही यदि आप गैलियम की बात करो, तो वो भी ऐसा ही डेंस होता है। लेकिन ये सब तो हमारे मेटल की बात रही, नॉन मेटल में भी हमारे कुछ लिक्विड फॉर्म पाए जाते हैं। इनफैक्ट इसके अलावा जो भी फॉर्म पाए जाते हैं नॉर्मली, वो नॉन मेटलिक के लिए ही हम लोग यूज किया करते थे। बाकी सारे जो आपको नॉर्मली देखने को मिलता है, कुछ और है, हाँ, CSFR जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं सॉलिड होने के बावजूद भी, लेकिन ये तो लिक्विड का केस रहा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है गैसियस स्टेज में, तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मली नॉन मेटल ही गैसियस स्टेज में पाए जाते हैं, नॉर्मली नॉन मेटल ही गैसियस स्टेज में पाए जाते हैं, जिसमें आपका इसके अलावे
नॉन मेटल के अलावे एक और ग्रुप है जो गैसेस स्टेज में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिएक्टिव गैसेज। ये भी आप इधर थोड़ा सा दिखाइए, ये नॉन रिएक्टिव गैसेज का सीरीज है। ये पूरा का पूरा जो भी रेड कलर में आप देख रहे हो इधर, ये सारे के सारे गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम क्लोरीन। तो ये सब गैसियस फॉर्म में पाए जाएंगे, इस सब के गैस मिलेंगे, जबकि ये है क्या, एक नॉन मेटल। और जब मैं मेटल और नॉन मेटल का यूज का बात करने लगा था, तो अब यहां पे ही मैं यूज की बातें करूंगा, राइट। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग यहाँ पे है नाइट्रोजन, जो हमारे पास बहुत ज्यादा है, राइट। तो नॉर्मली जब भी हमको ऑक्सीजन को दूर रखना हो, जैसे ऑक्सीजन को कहाँ कहाँ दूर रखना होगा, तो ऑक्सीजन तो रिएक्ट कर लिया करता है चीजों से और उसको खराब कर दिया करता है। जैसे चिप्स में के साथ यदि ऑक्सीजन रिएक्ट कर लिया तो चिप तो तुम्हारा सॉफ्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तुम तो ऐसा चाहोगे नहीं, क्या तुम चाहते हो लेज वाले में से तुम लेज निकालो और वो टपकता रहे मुड़ के? नहीं, ऐसा नहीं चाहोगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कोई ऐसा गैस डालो जो कि काफी चीप हो, सस्ता हो, और जो पैकेट को फुल्ली कवर्ड किया रहे ताकि उसमें ऑक्सीजन ना जा सके। तो इसके लिए हम लोग किस गैस का यूज करते हैं, नाइट्रोजन का। इसके अलावा बहुत जगह जो छोटा मोटा, हाँ, जो जहां पे आग को बुताना है, छोटा मोटा आग को बुताना है। अब मैं यहाँ पे छोटा मोटा क्यों बोल रहा हूं, यदि बहुत ज्यादा पावरफुल आग है और नाइट्रोजन डाल दिए, आग और भड़क सकता है। नाइट्रोजन भी फ्यूल का काम करेगा, तो इसका फ्यूल में भी यूज होता है, जब बहुत ज्यादा पावर बूस्टर का फ्यूल का काम होता है। जैसे N2 का सिलेंडर तुम सुने होगे, जो बाइकर्स वगैरह हैं वो यूज करते हैं। जब N2 सिलेंडर पे एक बार क्लिक किया जाता है तो बाइक की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। जितने भी रेसिंग वगैरह हैं वहां पे N2 का यूज किया जाता है, तो वो नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। लेकिन अब आगे देखो फ्लोरीन और क्लोरीन। तो क्लोरीन का मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करता हूँ। क्लोरीन का सबसे बड़ा यूज होता है साफ सफाई के कामों में, जैसे गटर नाले। अब गटर और नाले के पानी को मैं सोच भी नहीं सकता यूज करने के बारे में। एक बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे हमें एक एक बूंद पानी का यूज करना पड़ता है, पानी है ही नहीं। तो उस जगहों पे वो गटर के और नदी के पानी को भी प्योरीफाई करने में हेल्पफुल होता है ये हमारा क्लोरीन गैस। ये किसी भी जर्म्स को मार सकता है, इसके अलावा प्योर कर सकता है, हाँ। और ये सारे जो बाकी गैसेज हैं वो नॉन रिएक्टिव गैस है, राइट, जिसको इनर्ट गैसेज भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो, ये किसी के साथ भी आसानी से रिएक्ट कर लेता है, हाँ। लेकिन अब हाइड्रोजन के साथ एक और खास बात है, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो ये तो कुछ खास बातें रही जो पिछले क्लास में बच गया था, एक दो और शायद मिसलेनियस क्लास आए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।